मैंने आपके ये भी चैनल पर देखा जी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी कह रहे थे कि किसानों के लिए मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनको कुछ कंपनसेशन देना चाहिए किसानों को ताकि वो पराली न कर पाए। तो अगर इस पर सरकार सोचती है तो एक संविधान एक रास्ता निकलता है कि कम से कम जो 20% प्रदूषण हो रहा है जी उससे बचत होगी जी, नंबर एक। नंबर दो, देखिए ये बहुत गंभीर समस्या है। हाँ। ये बातों से हल नहीं होने वाली है। प्रत्येक नागरिक को, सरकार के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है। हाँ। कि वह उन चीजों का बहिष्कार करे ज्यादा से ज्यादा जिससे कि ये वायु प्रदूषण हो रहा हो जी। अब हमारे यहाँ एक छोड़ दो दो तीन तीन मोबाइल लेके हम घूमते हैं, मोबाइल से भी प्रदूषण होता है। मोबाइल के साथ में मोटर व्हीकल है, किसी के घर में दो है, किसी के घर में तीन है। एक गाड़ी जब कम से कम इस्तेमाल कीजिए, जब समझते हैं कि इस सीजन में वायु प्रदूषण बढ़ जाता है जी, उसकी स्थिति खराब होती है जी, तो कम से कम लोगों को ओंकारना जी, नैतिक जिम्मेदारी लोगों की ये है, लेकिन अगर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सर बेहतर हो जाएगा तो लोगों के बस इस्तेमाल करने की आदत अपने आप छूट जाएगी। वही मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये सारी चीजें तब हो सकती है जब सरकार अपना दायित्व निभाए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस तरह का हो कि हर कोने में बैठा हुआ शहर का जो नागरिक है वो उसको पकड़ के अपने गंतव्य स्थान को जा सके और अपना काम कर सके। तो ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो पाएंगी। एक साथ नहीं हो सकती कि एक आदमी अपनी गाड़ी